हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ईयर की इवनिंग पे। आप देख सकते हैं हम अभी हैं नरीमन पॉइंट पे। चारों तरफ लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, माहौल अच्छा खासा बना हुआ है इधर। पुलिस की भी चाक चौकसी बराबर बनी पड़ी है। ये है द ओबराय होटल, ट्राइडेंट होटल, ये सब बगल में हमारे दिख रहे हैं। और यहाँ पे माहौल एकदम निगर का बना हुआ है। तो आगे जाने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है, तो यहीं से हमें लेना होगा यू टर्न फिलहाल के लिए। और इधर देख सकते हैं पूरा माहौल एकदम जगमग जगमग जगमगा रहा है। चारों तरफ रोशनी रोशनी बिखरी पड़ी है, लाइट्स लगी पड़ी हैं। देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है नरीमन पॉइंट मरीन ड्राइव। नरीमन पॉइंट का जो मरीन ड्राइव क्षेत्र है लिया है, जस्ट इसके आगे आपको मिलेगा ब्रेवन स्टेडियम। आप देख सकते हैं कितनी क्राउड न्यू ईयर के लिए इधर आके खड़ी हुई है। मरीन ड्राइव एकदम सजा रखा हुआ है चारों तरफ, वहां से लेके यहाँ तक सब एकदम बिल्कुल। और वानखेड़े स्टेडियम में कोई पार्टी वार्टी चल रही है, कुछ तो इवेंट है, पता नहीं ये इवेंट किसका है। चाक चौकसी पुलिस ने बहुत बढ़ा रखी है इधर। तो हम लोग मंत्रालय की तरफ से निकल जाएंगे, गेटवे ऑफ इंडिया आज तो जाने का कोई फायदा है नहीं, इतनी क्राउड होगी। और ये सामने स्टेट बैंक की बिल्डिंग, इधर राइट साइड में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग। और ये मंत्रालय अपना सामने ही है।
देख सकते हैं माहौल बना रखा है न्यू ईयर के लिए। एक्चुअली ये G20 समिट होने वाला है, उसी के लिए पहले से ही अरेंजमेंट कर रखा है। G20 समिट वाला ही है, तब से लगा करके छोड़ा हुआ है ताकि क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों ही सेलिब्रेट हो जाए एक साथ। यहीं तक है, सामने भी देख सकते हैं क्या मस्त नजारा आ रहा है। चारों तरफ लड़ियां सजा रखी हैं। निकलने की कोशिश करेंगे लेफ्ट साइड से, थोड़ा थोड़ा साइड में होके और धीरे धीरे पहुंच जाएंगे रेड लाइट के पास। बट ये कार वाले भी प्रॉब्लम करते हैं यार, जान तो सकते नहीं है कहीं। राइट लेने के साथ ही आप गेटवे इंडिया ताज होटल पहुंच जाएंगे। बट अभी इतनी क्राउड होगी ना उस साइड में कि आपका जाना मुश्किल है। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग घर। देख सकते हैं सोसाइटी वाला रास्ता, इधर आपका दलाल स्ट्रीट वगैरह पड़ेगा। राइट साइड में जो लंबी सी बिल्डिंग दिख रही है वो है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये अपना मिंट हो गया, टकसाल हो गया उसका। ये है एशियाटिक सोसाइटी, अक्सर यहाँ पे मूवीज की शूटिंग होती रहती है। थैंक गॉड में यहीं पे गाड़ी लड़ी थी उस हीरोइन की। यहाँ पे देख सकते हैं कपल्स अपने टाइम पास कर रहे हैं। फटाफट निकलते हैं क्योंकि सिग्नल ग्रीन है तो निकल जाएंगे हम लोग। दोस्तों ये न्यू ईयर की इवनिंग पे मुंबई का एक छोटा सा, मैंने सोचा है क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों को भी पता चले किस तरह का जो फेमस प्लेसेस हैं उस पर कैसा सजावट रहता है, डेकोरेशन वगैरह करके रखते हैं किस तरह का। इसके आगे एक रेड लाइट आएगी, वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी। बस इस गाड़ी से आगे निकल जाए फिर तो।
किया वाला रोकना चाहता है या क्या करना चाहता है पता नहीं चल रहा है। बट लोग, अगर आप ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, कैमरा डाल रखा है, तो लोगों की नज़र आपके ऊपर ज़रूर पड़ती है और लोग तो नोटिस करेंगे ही। राइट से निकलने का होगा तो हम तो यहीं से निकल जाएंगे। तो ये आ गया आपका लखनवी, इट्स लखनवी रेस्टोरेंट के आसपास का एरिया। आते ही सिग्नल ग्रीन, इससे अच्छी क्या बात होगी। यहाँ से एक बार वो एक कट मिलेगा हमें, जो रेड लाइट हो गई। किस तरह चलाते हैं इधर बाइक, समझ नहीं आता। अचानक से राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट। देखो ये टैक्सी वाला खड़ा था, अब पास पहुंचो तब तक ये चल देगा और गाड़ी जाकर लड़ेगी फड़ाक। और यहाँ पे रेड लाइट हो गई। जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि बिसलेरी पानी की डिलीवरी आ रखी है, और अगर आज पानी नहीं लिया तो कल पानी वाला बंद रखेगा, पीने के वांदे हो जाएंगे रे भाया।